अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा ने नामांकन किया और इस दौरान पीसीसी चीफ करण महारा, कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल समेत अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के सभी कांग्रेस विधायक व पूर्व विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदीप टम्टा के पक्ष पर चौघान पाटा से माल रूट होते हुए मुख्य बाजार में विशाल रूट शो निकाला गया और वोटर से समर्थन मांगा गया। और इसी के साथ आपको बता दें कि रोड शो के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बदलाव की बार है इस संसदीय क्षेत्र में। पिछले 10 सालों से जिस सांसद की ने यहाँ का प्रतिनिधित्व है वो हर जगह पल रहा है। नौजवानों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, पर्वतीय खेती दम तोड़ी है, नौजवान बेरोजगार है, स्कूलों को बंद किया जा रहा, अस्पतालों की दुर्दशा है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, साधनों की लेकिन जरूर कमी है। और कांग्रेस लगातार अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर, केदारनाथ में हुई 223 किलो की सोनी की चोरी को लेकर, ट्रिपल एससी भर्ती घोटाले को लेकर, पटवारी पेपर लीक को लेकर और बच्चों के ऊपर हुए लाठीचार्ज, ट्रिपल एससी भर्ती घोटाला और पटवारी पेपर लीक, इन सारे विषयों को लेकर लगातार मुखर है और लगातार हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। गाँव में मातृशक्ति ज़्यादा है और मुझे लगता है अंकिता भंडारी मर्डर केस और जो महिलाओं का अपराध बढ़े हैं इस उत्तराखंड में, आपको जानकर आश्चर्य होगा 9 हिमालय राज्यों में हम पहले स्थान पे हैं महिला अपराध पे। तो ये सभी विषय लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं।